मेरे मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को जो इस वीडियो में जानकारी दूंगा, नॉलेज दूंगा, वो है, कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि पांडे जी मिल की आरपीएम, मिल का स्पीड क्या है, पर पाइप पर मिनट पाइप कितना निकलेगा, इसकी कई लोग मेरे से पूछते हैं। तो आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद मतलब टेक्निकल की अच्छी जानकारी आप लोगों को, कि मेरा एम ही है आप लोगों को जानकारी देना, तो इसीलिए मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्पीड कैसे मालूम करेंगे कि पर मिनट कितनी पाइप हमारा निकलेगा। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए कि मोटर का आरपीएम कितना, आरपीएम की मोटर है प्लस पहला, दूसरा है मोटर की पुल्ली की ओडी इंच इंच में, काउंटर पुल्ली की ओडी भी हमको इंच में मालूम होना चाहिए। उसके बाद मिल की जो गियर है स्टैंड के साथ में जो गियर लगे, काउंटर गियर होगा तो काउंटर गियर, आजकल तो काउंटर गियर लगता नहीं है, तो मिल की गियर का रेशियो। उसके बाद क्या चाहिए, रूट डाया, रोल की आरडी, रूट डाया जो रोल लगा हुआ है उसका रूट डाया, इतनी चीज चाहिए। अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, देखो ध्यान से। अब देखिए हम इसमें दिखाए हैं मोटर का आरपीएम 1460 है, काउंटर पुल्ली है 6 इंची, अरे सॉरी मोटर पुल्ली है 6 इंची, काउंटर की पुल्ली है 18 इंची और गियर का रेशियो है 1:8 का, ठीक। अब हम इस फार्मूले को कैसे करेंगे, अब देखिए 1460 आरपीएम मोटर की ले लिए इंटू 6 इंची गियर बाग मोटर की पुल्ली हो गई, काउंटर पुल्ली हो गई 18 इंची, ये बराबर आ गया हमारा 486 आरपीएम। ये यहां तक बना 486 आरपीएम, यानी काउंटर पुल्ली तक हमारा 486 आरपीएम हुआ। इसके बाद अब हम मिल में कितना जा रहा है, तो गियर का रेशियो 1:8, तो ये डिवाइड बाय कर देंगे 8, तो ये हो गया 60 आरपीएम, यानी गियर बॉक्स के बाद 60 आरपीएम जा रहा है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि रोल का आरडी, आरडी का मतलब रूट डाया, रूट डाया हमारा जैसे एग्जांपल दिए हैं 250 है, ठीक है 250 mm इंटू 3.142, ये बराबर हो गया 785.5 mm। अब ये गुणे कर देंगे क्योंकि इतना चक्कर चलाएगा, तो इंटू 60 आरपीएम कर देंगे, तो ये बराबर हो गया 47,130 mm हुआ, ये mm में निकल रहा है 47,130 mm, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 mm, यानी ये बराबर हो गया मीटर, तो ये हो जाएगा 47.13 मीटर। अब इसको जो है आप 47.13 मीटर को जो आपका पाइप का लेंथ है, यानी 6 है तो 6 से कर लेंगे, जो भी है 6.1 है तो 6.1 करेंगे, ये बराबर जो आएगा उतना पाइप पर मिनट निकलेगा, उतना पाइप पर मिनट, यानी इसको अगर ये बोले तो प्रोडक्ट ऑफ पाइप पर मिनट, यही आपका निकलेगा। तो मेरे मित्रों जो मैं आपको ये बताया, ये इससे आपका जो है कि मतलब एक मिनट में कितना पाइप निकलेगा, या हम पाइप में बोल रहे हैं तो पाइप में, या मिनट में बोल रहे हैं तो हम मिनट एमएम में मतलब मीटर में बोल रहे हैं तो मीटर में निकल जाएगा। धन्यवाद मेरे मित्रों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अगली